अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शायद आप में से काफ़ी लोगों को मालूम होगा कि कल मैंने एक वीडियो अपलोड किया था। तथ मज़ एक लेडी करमत एक्सपेरिमेंट अख कोशिश, जैसा कि आपने उस वीडियो में देखा होगा कि किस तरीके से पत्ते जमा किए थे उस लेडी ने। तम पतन तमो तमिच चाय बनम और मे चे सो चाय तम विजन काफ़ी पहले की बात है, तो बराबर उस नुन चाय रंग कन ते तो मज कन ते नून तो तमो तथा त्रोमुत इवन बेकिंग सोडा तो त्रोमुत ये सोडर या फुल वनान। तो अख कोशिश तमो कर एक्सपेरिमेंट अखो तमो कर्मुत तमो कर पे खुद सो नुन चाय तम विजन तैयार। तो तम ब्रो ये तमो वो मे सत्य कत कर कि तमन गो वाल सो तमो पतन चाय चवान तो गर तम सो इस्तेमाल कर अकॉर्डिंग टू हर उनके मुताबिक वो काफ़ी मुफीद पाई उन्होंने, तो पूरी फैमिली उसका इस्तेमाल करती है। यम तम पन वथर मे लूखमत कोइन स्लीव्स वारियान उस सो समझ ते आमुत कें इतकन मे कमेंट्स वुछ कोइन स्लीव्स मतलब गो बिही के जो दरख्त के पत्ते होते हैं यानी बम चूंठ कुलिक यम पन वथर छे तिमै अस तिम जमा करन यम विजन तथ पन ओस वसन तम पत अस तिम गर थवान जमा कें हुखमित पन वथर कें सब्जी ते पन वथर मिक्स तम पत अस तिम तथ बराबर इतकन नुन चाय छ त्रावान पत रस कडान तिथे कन अस तिमो तमित तम पतन उसके बाद वो पानी में उबाल देती थी उन पत्तों को और वहाँ से कलर निकलता था और उसके बाद बेकिंग सोडा भी वो इस्तेमाल करते थे उसमें और साथ ही नमक वगैरह और दूध का इस्तेमाल। एक तो कलर जो है बिल्कुल नमकीन चाय जैसा वो आपने विजुअल्स में भी देखा होगा और आप इस वक्त भी देख सकते हैं बिल्कुल नमकीन चाय लग रही थी, मतलब कलर जिस तरीके से नमकीन चाय जो बाहर से आती है आसाम दार्जिलिंग से जो चाय आती है जो हम सदियों से इस्तेमाल करते हैं यहाँ पे। लेकिन अगर इस कोशिश में मज़ीद जो है रिसर्च होगी कि क्या ये जो पत्ते हैं बिही के पत्ते यानी बम चूंठ कुलन हिंद पन वथरन अगर इस चाय बनाओ नुन चाय रिप्लेस करो क्या यह सानि खतर सेहत खतर लॉन्ग टर्म अमिक यूज़ फ़ायदेमंद ठीक अत पे रिसर्च कर जरूरत बे क्या हेको हो नुन चाय रिप्लेस करित बे ये वो जरूरत कि उस नुन चाय नबर पे अनान तम पे बेकिंग सोडा ते त्रा तम पे नून ते त्रा दुद ते त्रा क्या यह वाकई सानि सेहत खतर ठीक उस सदियों पे या इतने सालों से हम इस्तेमाल करते आए हैं और हमें ये रूटीन लगती है क्या हमारे लिए ठीक है। क्योंकि यहाँ पे एक चीज़ तो है कि म्यादे के अमराज में बहुत सारे लोग मुबतला हैं और करोड़ों रुपये की अदवियात का इस्तेमाल किया जाता है। सुबह इत नफर वथान इंसान वथान गोड़ खेवान यही म्यादुक दवा फुल दपा मे खसान एसिडिटी मे म्याद खराब गुमत वैसे ही नूनुक ज्यादा इस्तेमाल इत डॉक्टर साहिबान लगातार वनान सुन ठीक कह क्या यह सानि खतर ठीक अस मा पजन फूड हैबिट्स तो चेंज करन जिस डॉक्टर साहिबान कहते हैं कि ब्रेकफास्ट का सिस्टम जो हमारा है अस यो नुन चाय कप तो बेहद चोट अस पज चेंज कर तो उस पर हालांकि अलग एक टॉपिक की जरूरत है। लेकिन ये बहुत ये वन कि अगर अत पे क्या हकवा तेल ये नुन चाय चेत अख बच तम सत करोड़ बुद रोपये क्योंकि करोड़ बुद रोपये नबर ग तत पे चाय तुम वो अगर सरस मार्केटस फिर नुन चाय बोहरन बोहर वो तुम दुकान पे ये नबर पे पे कन्न चाहे सो 10% प्रॉफिट या 20% प्रॉफिट ये कमान मगर 60% पोस ग नबर इस लुक यह गरीब अम लेडी वो तथा मन ये कि वन गरीबन गोस अमुक फायद युन अगर अत पे रिसर्च ती ये कर मसल कि क्या गरीबन मिले तेल गरे चाय अगर यह वाकई मुफीद हर कह लग जे बम चूंठ कुल गरस मन तमिक पन वथर अस जमा कर बराबर वर्यस ये अमि चाय चन हालांकि स्कॉस्ट कैन एक्सपर्टन सत्यस मैं तमें वजन कत कर इतने मैं वो कि कल ब्रो रिकॉर्ड गुमत यह वीडियो तो तमो वो तम वजन ते अत मेडिसिन वैल्यू वारिया बी अत मन लबन आमुत कि एक्सट्रैक्ट्स पन वथरन तम हा एंटी कैंसरस मगर उन्होंने भी उस टाइम ये कहा कि इसमें रिसर्च की जरूरत है कि क्या ये अत ग्रख दिवान क्या अमिच वैल्यू रोजान क्या यह सेम यह ठीक तथ पे काम कर जरूरत अगर वाकई अत पे रिसर्च ही कर वनकस वो इस लेडी ने एक कामयाब कोशिश ये की है कि कुछ तो कोशिश की है और दूसरा हमको ये देखना चाहिए कि क्या हम उस नमकीन चाय को रिप्लेस कर सकते हैं किसी और पेड़ के पत्तों के साथ या किसी और प्लांट को लगा के क्या हम उसका जो है यहाँ पे बढ़ावा देके हम नमकीन चाय यहाँ ही ला सकते हैं उसे गरीब को घर में ही नमकीन चाय मिलेगी और करोड़ों रुपया जो है लोग बचा सकते हैं और यहाँ की चाय का ही ट्रेड हो सकता है। तो इसमें बहुत काम करने की जरूरत है और रिसर्च करके ये पता लगाने की जरूरत है कि क्या बम चूंठ पन वथरन चाय सानि खतर मुफीद योतानी रिसर्च
گژھِ توٚتانۍ ہٮ۪کو نہٕ أسۍ اَمیُک لانٛگ ٹٔرٕم استعمال کٔرِتھ کینٛہہ. مگر یُس مےٚ پانہٕ تہِ رِسٲرٕچ کٔر, رِسٲرٕچ وَنہٕ نہٕ بہٕ کینٛہہ کہِ سٔرٕچ کٔر گوٗگلَس پٮ۪ٹھ, تَتہِ وٕچھ مےٚ واریاہَن کِتابَن منٛز چھُ, واریاہَن جٔرنَلَن منٛز چھُ, واریاہَن وٮ۪بسایٹَن پٮ۪ٹھ چھُ یہِ لیٚکھِتھ کہِ اَمہِ کٮ۪ن پَنہٕ ؤتھرَن ہُنٛد چھُ واریاہ زیادٕ فٲیدٕ. اَتھ چھُ میڈِسِنَل ویلیوٗ, یہِ چھُ لَگان چھاتہِ ہِنٛدٮ۪ن اَمراضَن تہِ, یہِ چھُ لَگان برٛونٛکایٹَسَس, یہِ چھُ لَگان تَمہِ وَرٲے اگر کولڈ آسہِ, یعنی سردی آسہِ گٔمٕژ, زُکام آسہِ گٔمٕژ, سُہ ٹھیٖک کَرنَس تہِ چھُ لَگان. گوٚو فٲیدٕ چھِ اَمِکۍ. کیٛاہ نُنہٕ چاے ہیٚکیٛاہ یہِ بٔنِتھ, أسۍ ہٮ۪کوا یہِ رِپلیس کٔرِتھ, سُہ چھُ اَکھ بوٚڑ سوال. تَتھ پٮ۪ٹھ چھِ رِسٲرٕچ کَرنٕچ ضوٚرَتھ. تہٕ رِکویسٹ کی جا سکتی ہے سکاسٹِک ایٚکٕسپٲٹٕس کو یا باقٕے جتنے بھی ایٚکٕسپٲٹٕس ہیں, وہ سامنے آئیں جو باٹنِسٹٕس ہیں یا پھر جو ہاٹیکلچرسٹٕس ہیں, ان کو آگے آنا چاہیے, اس پہ رِسٲرٕچ کر کے بتانا چاہیے لوگوں کو جلد سے جلد. کیا ایسی کوئی کوشش ہو سکتی ہے کہ ہم نمکین چائے کو یہاں پتوں سے بننے والی چائے سے ریپلیس کر سکتے ہیں؟ شکریہ.